हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेपी पांडे, अपने यूट्यूब चैनल एट द रेट लिखो जेपी से बोल रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। फ्रेंड्स, अभी पिछले दिनों जनवरी में एक पाकिस्तान से एक वकार करके पूरी टीम लेकर के एक बंदा पाकिस्तान से आए थे। ये लोग अजमेर शरीफ और दिल्ली वगैरह इन्होंने विजिट किया है। अब ये पाकिस्तानियों का दिमाग में इतना फितूर भरा रहता है ना, इंडिया के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा, मतलब इनकी भावनाएं जो है बुरी तरह से प्रभावित हैं इंडिया के खिलाफ, कि इंडिया की चीज़ों के बारे में अच्छा तो कुछ बता ही नहीं सकते। आप देखिए, ये भारत से वापस लौटने के बाद दिल्ली से और अजमेर शरीफ से ये इंडिया के बारे में क्या बकवास कर रहा है। एक तरफ तो ये वकार बोल रहा है कि मैंने दिल्ली में हर जगह घूमा, सारी देखने वाली चीज़ों को देखा, लेकिन इसकी जबान से गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, उस तरह के इलाकों का, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, इस सब इलाके के बारे में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये कितनी बकवास इंडिया के बारे में कर रहा है साना अमजद के इंटरव्यू में, आप खुद सुनिए। और ऊपर से ये लोग सोचते हैं कि भारत के साथ दोस्ती हो, भारत के साथ ट्रेड शुरू हो। हम तो थूकते हैं ऐसे लोगों, ऐसे ट्रेड पे, ऐसी दोस्ती पे। सुन लीजिए, आप ही सुनिए क्या बकबक कर रहा है, और सुनकर फिर मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, नमस्कार। बताइएगा आप, क्योंकि अजमेर शरीफ का विजिट करके आए हैं, तो यहाँ के पाकिस्तानियों में कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वहां पर मुसलमानों को मजहबी आजादी हासिल नहीं है, वहां पे जो है उन्हें दबाया जाता है, उन्हें दबी हुई घुटी हुई जिंदगी गुजारना पड़ती है। तो ये बताएं कि वहाँ अजमेर शरीफ हमारी एक बहुत बड़ी, मतलब कह लें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी दरगाह है, तो वहां पे किस तरह उस दरगाह का ख्याल रखा जा रहा है इंडिया की जानिब से? दरगाह के ऊपर मुझे स्टेट का कोई भी जो है वो अमल दखल नज़र नहीं आया। वहाँ पे एक्चुअली दरगाह के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके गद्दी नशीन हैं, उन्होंने ही सारा वहाँ पे जो है वो होल्ड किया हुआ है। और जो सबसे मुझे मतलब वहाँ पे जाके एक नेगेटिव चीज़ नज़र आई वो ये थी कि हमारे यहाँ दरबारों का सारा जो मज़ारात का होल्ड है वो एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट ने होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से सारा निज़ाम बहुत बैलेंस्ड है, मैनेज्ड है। बट वहां पे जब आप, चूंकि स्टेट जो मैनेज कर सकती है वो एक नॉर्मल पर्सन, एक आम बंदे नहीं कर सकते, तो वहां पे मज़ारात के ऊपर कोई मैनेजमेंट कोई ऐसा नहीं थी। द रीजन इज ओनली कि वहां पे स्टेट का कोई जो है वो अमल दखल नहीं था। स्टेट शायद वो मुस्लिम कम्युनिटी की बेस के ऊपर कोई उस पर इंटरफेयर नहीं करती। तो यहाँ पे मच बेटर जो मज़ारात के ऊपर इंतज़ामात होते हैं, जो लुक आफ्टर हमारे डिपार्टमेंट्स करते हैं, वो बैलेंस्ड हैं, कंट्रोल हैं, और सारा कुछ बहुत बेहतर है। वहाँ के यकीनन मुसलमानों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, मिलना जुलना हुआ होगा, उनके क्या तासुरात हैं, जज्बात हैं कि 1947 में उनके बड़ों का सही फैसला था कि हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान ना जाया जाए? क्योंकि अगर आज के हम दौर की बात करें, 21वीं सदी में रह रहे हैं, और इस 21वीं सदी में हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है, सोलर मिशन लॉन्च कर रहा है, उनके मुल्क की आप डेवलपमेंट देखें, आने वाले दिनों में वो सुपर पावर बनने जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो वहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं वो क्या तासुरात रखते हैं? वैसे सना, मैं भी फ्रेंकली अगर आपसे बात करूं तो मतलब ये सारा कुछ हमने मीडिया पे देखा है और इंडिया की तरक्की को देखा है, बट जहां तक मैं विजिट किया और जिन लोगों से मैं मिला, मुझे मतलब दोनों नेशंस में एक माइनर सा डिफरेंस भी नहीं नजर आया। इवन कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारा बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली इंडियन सिटीजन से। मैं जब दिल्ली में गया तो दिल्ली में मुझे मतलब लोग बहुत ही मतवस्त नजर आए। इवन के साइकिल रिक्शा आज भी दिल्ली में चलता है, जो कि हमारे यहाँ से 1970 से खत्म हो चुका है, और चूंकि वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है तो वो खत्म हो चुका है, बट दिल्ली में अभी स्टिल जो खुद को कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो डेमोक्रेसी है, तो वहां पे आज भी साइकिल रिक्शा चलता है। मैंने यहाँ पे जो सबसे हमारे पाकिस्तान में जो लोअरस्ट लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड से भी नीचे लोग देखे, मुझे हमारी यहाँ की जर्नल फिजिक्स का बंदा वहां पे कोई नजर नहीं आया। मतलब वी आर मच हेल्थी। वो तो हम खाने पीने में
में बहुत आ गया ना, इतनी अच्छी सेहत भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। इतना मोटापा नहीं, बीमारी है आप कह सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक के पास तो बहुत कुछ है, पब्लिक जो है वो बहुत हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर रही है, बट गवर्नमेंट हमारी आपको पता है कि अभी नीचे है, बट वहाँ पे स्टेट तो बहुत डेवलप कर रही है और बहुत एक मुझे जो है वो मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो वेरी लो नजर आया। बकार दिल्ली का जो आपका विजिट था वो कितने दिनों का था और दिल्ली में कहाँ कहाँ पे घूमना हो, क्योंकि दिल्ली भी बहुत बड़ा शहर। दिल्ली में हमें जो है वो 2 दिन का स्टे मिला था और मजे की बात यह है कि उन 2 दिन में तकरीबन हमने दिल्ली के जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे विजिट कर लिए थे और मुझे बहुत ज्यादा वहाँ पे जाके एक्साइटमेंट फील हुई कि हमने जो चीजें किताबों में पढ़ी थी उनको हमने अपनी आंखों से देखा, जैसे मिर्जा गालिब का मजार। मिर्जा गालिब जो है वो मतलब जो हम उनको बुक्स में पढ़ते आए हैं, तो उनके मजार पे मैं गया और उनके मजार पे जो है वो वाला शेर लिखा हुआ था, जो होता कुछ तो क्या होता। मुझे पूरी वर्डिंग तो नहीं आती लेकिन बड़ा फेमस उनका जो है ना वो शेर है, जो मैं होता तो क्या होता। मतलब जो कुछ आपने तारीख में पढ़ा वो आपने अपनी आंखों से देखा वहां जाके, आंखों से देखा। चांदनी चौक दिल्ली जो है वो वहां पे पूरी आबोताब से जो शाही मस्जिद खड़ी है और उसके बिल्कुल सामने लाल किला जो है वो अपने पूरे जोबन पे खड़ा है, और फिर वो मतलब बड़ी फेमस प्लेस था वो। और उसके अलावा फिर मैंने वहाँ पे जो है वो मतलब एक कुतुब मीनार था, वो भी मुस्लिम एम्पायर का एक बहुत बड़ी जो है वो उसके साथ अटैचमेंट थी कुतुब मीनार, वो बड़ा एक यूनिक सी उसकी कंस्ट्रक्शन थी। अल्तमश कोई गुजरा है मुस्लिम एम्पायर का कोई जो है वो रूलर, तो उसने वो कंस्ट्रक्ट किया था। उसके अलावा जो एक सबसे जो यूनिक चीज थी वो उनकी जो ब्रांड ऑफ द स्टेट थी वो थी हल्दीराम की मिठाइयाँ। वो मैंने देखा, वाकई वो काबिले तारीफ है। तो लेकर भी आए कुछ घर वालों के लिए, वहीं पर ही खा पी के वापस आ गए? नहीं, जब 17 में गया था तब तो मैं मतलब इसी एम्बिग्यूटी में रहा कि पता नहीं वहां पे कुछ पसंद आए या ना आए, लेकिन अब मैंने और कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ बीकाजी और हल्दीराम। तो बड़े फेमस ब्रांड है उनके। बस मुझे मतलब उनकी वो काबिले तारीफ, बहुत अच्छा उनका जो है वो स्टैंडर्ड है और बहुत अच्छा टेस्ट है। और क्या क्या वहाँ पे खाया, क्या क्या नई चीजें खाने में ट्राई की जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलती लेकिन इंडिया में बड़ी फेमस और अच्छी है? ये आप मुझे वो क्वेश्चन कर रही हैं जो मैं खुद अपने आप से कर रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज खाऊं जो यहाँ पे नहीं मिलती। अच्छा। खाने पीने के लिहाज से पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस। वहाँ पे चूंकि उनका वो रिलीजियसली वो इतने खाना पीना उनको अलाउ नहीं होता, मीट से रिलेटेड उनको प्रोहिबिटेड होते हैं, तो कोई इतनी डिशेज जनरली नहीं थी। इवन के अजमेर में मुझे फास्ट फूड की कोई शॉप नजर नहीं आई। अच्छा। वहाँ पे वो सारे जनरल फूड्स जो है वो खाते हैं, किसी लिहाज से वो अच्छा भी है। उनकी फिजिक सबकी नॉर्मल और मेंटेन्ड थी, हमारे यहाँ जिस तरह से हम मतलब बल्कि होते जा रहे हैं इस तरह से वहाँ पे मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तो कहा जाता है कि उसके बाद से पाकिस्तान में जो कल्चर अपनाया गया है वो इंडिया का अडॉप्टेड